नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो कहीं ना कहीं इंसानियत जो है शर्मसार हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मेरे साथ है एक बुज़ुर्ग और इनका नाम जो है मधुलाल है और मलवाना के ये रहने वाले हैं। ये यहां से किश्तवाड़ की ओर जा रहे थे अपनी लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि इनकी लड़की की शादी वहाँ पर हुई थी और जिस गाड़ी में ये बैठते हैं उसी गाड़ी में इनकी जेब में एटीएम था और उसी में एक पिन भी लिखा हुआ था एटीएम के साथ में। और इनके साथ ऐसी घटना होती है कि इनका एटीएम का पिन जो है एटीएम भी किसी ने चुरा लिया और साथ में इनके अकाउंट में 40,000 भी कल के दिन में निकाल दिए गए। चलिए इन्हीं से पूछता हूँ, कहाँ से ये आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे? क्या नाम है आपका? मधुलाल। कहाँ जा रहे थे आप? मैं उधर पीछे जहाँ मेरी लड़की ध्रुवील में है ना, वहाँ जा रहा था। किश्तवाड़ में? किश्तवाड़ से। हाँ। अच्छा, तो ये कब गए थे यहाँ से आप डोडा से? मैं घर से गया था ना प्रेमनगर। हाँ। तो प्रेमनगर से गया था उधर के लिए। अच्छा, वहाँ से पैदल उतरे थे आप प्रेमनगर के लिए? हाँ। आप बताइए पूरी क्या घटना हुई है, क्या चीजें हुई इनके साथ? ये यहाँ से निकले थे किश्तवाड़ के लिए, इनकी बेटी मेरे भाई को है किश्तवाड़ में, तो ये उधर के लिए आ रहे थे, किश्तवाड़ के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में इनको पता ही नहीं चला तो कोई इनके पैसे मतलब चुरा के ले गया। पैसे 5,000 थे, ऊपर से मतलब एटीएम था, इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड था साथ में, और वो सारा लेके एक लिफाफे पड़ा हुआ था सारा लेके, मतलब इनके जेब से निकाल के ले लिया उसने। बिल्कुल, जेब से निकाल के ले गया, इनको पता ही नहीं चला, बेचारे बुजुर्ग हैं, इनको पता ही नहीं चला। ये जब पहुंचे किश्तवाड़ में फिर जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास अभी है ही नहीं, तो वो जो पैसे नगद 5,000 थे और एटीएम सारे ले गए। फिर हमने उधर प्रेमनगर ब्रांच से पता करवाया बैंक से कि मतलब तो इसमें तो कोई मतलब पैसा कटा तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 40,000 मतलब कट हो चुका है, यहाँ से मतलब निकल चुका है। तो यह है 15 तारीख 5:39 के बाद उन्होंने बोला कि डोडा के एटीएम नंबर 2 से ये निकाले गए पैसे। जे एंड के बैंक का एटीएम? जे एंड के सर, बिल्कुल जे एंड के बैंक का एटीएम है, तो वहाँ से 40,000 मतलब निकाले गए हैं 5:39 पे 15 तारीख। जब आपने ये सब पता लगा उसके बाद बैंक के किसी अधिकारी से मिले अपने अकाउंट बंद करने की कोशिश? कल हम किश्तवाड़ से इधर आए थे तो लेट हो गया, तो तब तक बैंक बंद हो चुके थे, 5 बजे की बात है, तब तक बैंक बंद हो चुके थे। उन्होंने बोला कि आज सुबह 10 बजे बैंक खुलेगा, तो सुबह आ जाना बैंक में, तो हम जाएंगे। कल हमने उधर रिपोर्ट भी लिखवाई है, तो फिलहाल रिपोर्ट दी उन्होंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से अभी, तो बस ये बात है। रिपोर्ट कल कितने बजे लिखवाई है? 5:30-6 के आसपास लिखवाई है कल। कितने लगभग कितने पैसे थे इनके अकाउंट में? इनके अकाउंट में 46,000 थे और 40,000 परसों निकाल लिए हुए हैं अभी का, मतलब 40,000 निकाल दिए गए, 40,000 निकाले हैं एटीएम से, और 5,000 जो आप मैंने पहले आपको बोला 5,000 पहले के वो भी, मतलब टोटल 45,000 ले लिए उन्होंने। तो और क्या क्या चीज़ें थी इनके साथ, जिससे आपने बोला कि इलेक्शन कार्ड था, बैंक की कॉपी, क्या क्या चीज़ें थी, मतलब क्या एटीएम वगैरह, क्या क्या चीज़ें? आधार कार्ड था एक, इलेक्शन कार्ड था एक, और 5,000 वो थे, और क्या बस वही लिफाफे में पड़ा हुआ था, और पासपोर्ट भी उसके बीच में ही था, तो तब जाके उनको पता चला कि मतलब, नहीं तो पासपोर्ट अगर नहीं होता तो फिर उनको पता नहीं चलता, पासपोर्ट उसके बीच में ही था, तो उन्होंने 40,000 लिए निकाल के, तो 5,000 अलग से 45,000 टोटल। मतलब अब तो जिस एटीएम से ये पैसे निकाले गए होंगे उस एटीएम सीसीटीवी में भी आई होंगी ये तस्वीरें, ये फोटो, हाँ, तो हम बैंक में जा रहे हैं अभी, अगर वो दिखा सकते हैं उनको बोलेंगे बैंक वालों को कि हम फोटो मतलब सीसीटीवी की फोटेज अगर दिखा सकते हैं तो उससे कुछ हेल्प, वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना, आपने अगर FIR भी कटवाई है तो कल से फिर पुलिस वालों ने फिलहाल अभी किया ही नहीं कुछ, तो अभी फिर अभी आप गए थे फिर से पुलिस स्टेशन कल ही गए थे हम, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो उन्होंने ना बोला कि हम करेंगे कुछ पता ऐसे, मतलब एप्लीकेशन लिख दी और छोड़ दिया, बोलने लगे कि जाओ आप, तो बस और कुछ नहीं बोला उन्होंने, मतलब यही बात है कि मतलब उन्होंने कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया वहाँ से, मतलब इतना बोला कि हाँ रखो इधर, तो पहले पूछा कि क्या बात हुई, ऐसे ऐसे बोला, फिर उन्होंने बोला कि बाहर से एप्लीकेशन लिखवा के लाओ, हमने बाहर से एप्लीकेशन लिखवाई, तो गए उधर पुलिस स्टेशन में, उनको दे दी, उन्होंने फिर से पढ़ा और रख दी उधर, वो बोलने लगे जाओ कोई बात नहीं बस। मतलब पुलिस से भी एक उम्मीद होती है तभी इंसान वहाँ पर जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, तो क्या डिमांड करेंगे कि मतलब कि जल्दी से ये चीज़ें हो जाएं, एक गरीब परिवार के ये सदस्य इनके 40,000 इनको। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करे और इनके जो 45,000 चोरी हुआ है तो जल्द से जल्द मिल जाए, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से कि थोड़ा सा जल्दी अगर कार्रवाई करेंगे तो वो पकड़ा जाएगा बंदा फिर जल्दी जल्दी, नहीं तो फरार। मुझे लगता है जो CCTV वगैरह ATM में होते हैं उनकी भी लिमिट जो है 3 ही दिन की होती होगी, मतलब कि वो रिकॉर्ड होने वाली भी। तो नहीं, मैंने ऐसे सुना है कि मतलब वो पिछले का डाटा भी निकाल सकते हैं, जब अच्छे से जांच होती है ना तो वो महीनों का निकाल लेते हैं, पूरा डाटा निकाल लेते हैं,
पर अगर वो अच्छे से करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से करेंगे, तो अगर करने पे आएंगे तो वो अच्छे से मतलब निकाल सकते हैं, अगर डिलीट भी हुआ होगा तब भी वो निकाल सकते हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से कि अगर वो अगर इतना जल्दी मतलब। जी हाँ, मैं आप रोकना चाहूँगा। और लास्ट एंट्री इनकी जो है बैंक अकाउंट की जो है, जब मैंने इनकी कॉपी वगैरह देखी तो बैंक अकाउंट की एंट्री जो है इनकी लास्ट 46,759 रुपये है, और इनमें से 40,000 जो है इनके अकाउंट से निकाल दिए गए हैं किसी ने। और ये यहाँ से किश्तवाड़ की ओर जा रहे थे अपनी लड़की से मिलने के लिए। जब ये मलवाना से निकलते हैं तो प्रेमनगर पहुँचते हैं, और प्रेमनगर में किसी गाड़ी में बैठते हैं, तो जब ये किश्तवाड़ में जाकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके जैसे पहुँचते तो इनको पता लगता कि इनके जेब से 5,000 और ATM और साथ में इलेक्शन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें जो इनके जेब में थी मधुलाल के, बहुत मासूम है, बोल भी नहीं सकते हैं और सुनने में भी इनको प्रॉब्लम है। इसलिए इनके साथ में जो इनके परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशन भी दी है और जल्दी से कोई कड़ी सी कड़ी कार्रवाई हो जिसने भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। और ये FIR भी, एप्लीकेशन भी दी हुई है, ये साफ तौर पे दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने पास एक स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है उसका। और पुलिस को ऐसा करना चाहिए, जिसने भी इस तरह की घटना की है, जिसने भी इस ऐसे जैसे गरीब इंसान के पैसे लिए हैं, कम से कम उसको पकड़ के एक्सपोज करना चाहिए पब्लिक के सामने, ताकि आने वाले समय में इस तरह की चोरियां ना हो। क्योंकि एक गरीब परिवार का सदस्य जिसके अकाउंट से 40,000 जो है ATM से, कल के दिन में ATM नंबर 2 है, जिस तरह से सारी इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, डोडा का ही ATM नंबर 2 है कोई। अब बैंक को देखना चाहिए कि कौन इंसान जो है इनके अकाउंट से 40,000 लेकर चला गया है, वो CCTV फुटेज निकाल कर पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए, और उसके बाद जो है एक बड़ी सी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं अब इनके ये पैसे पुलिस किस तरह से दिलाती है और किस तरह से उस चोर को पकड़ने की कोशिश भी करती है। तो फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।